हाय, दिस इज़ मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस भी आपकी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, नॉन कॉम्बेटेंट वैकेंसी 2024 के रिगार्डिंग। देखिए फ्रेंड्स, ये एयरफोर्स की ना ग्रुप सी की वैकेंसी है, जो कि इक्विवेलेंट होती है MTS की वैकेंसी की। जो MTS का पोस्ट होता है ना, मतलब सेम ही लेवल का ये आपका पोस्ट होता है ग्रुप सी का। इसके लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हो इसके लिए अप्लाई करना, तो आगे आप वीडियो को एंड तक वॉच करना, कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएगा इसके रिगार्डिंग। लेकिन अगर आप चाहते हो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना, एग्जाम सिलेबस जानना चाहते हो, तो वो दोनों चीज़ें ना अपलोडेड है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, जाइए वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। चलिए फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं कि किन किन पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट आई है। पहला पोस्ट है हॉस्पिटैलिटी का, सेकेंड है हाउसकीपिंग का। ये दोनों पोस्ट समझिए कि MTS की पोस्ट के बराबर ही है, ग्रुप सी की पोस्ट है, तो सैलरी इसमें बहुत अच्छी मिलेगी आपको। देखिए, इसके लिए अप्लाई करने का जो डेट है 16 अगस्त से 15 सितंबर, यानी कि अपना फॉर्म जाना स्टार्ट हो चुका है। और ये भर्ती ना ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। तो ये इसका ऑफलाइन कैसे अप्लाई होगा, एप्लीकेशन फॉर्म तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, और सारे गाइडलाइंस भी आपको वहां पर मिल जाएंगे एड्रेस के सही, ठीक है। तो आपका लास्ट डेट जो रहेगा फॉर्म जाने का, वो है 15th of September। तो जल्द से जल्द कोशिश करिए कि अगर आप पोस्ट के थ्रू भेज रहे हैं तो रजिस्टर्ड या फिर स्पीड पोस्ट, तो इसको आप भेज सकते हैं, और जल्दी से जल्दी इसको जो भी प्रोसीजर है पूरा कर लीजिए, ताकि समय से आपका एप्लीकेशन वहां पहुंच सके। देखिए, इसके लिए जो फॉर्म फीस है 0 रुपीज़, यानी कि किसी भी कैंडिडेट से कोई पैसा चार्ज नहीं लिया जा रहा है। अब जो आप डाक टिकट वगैरह लगाते हैं, उसका जो आपसे 10 या 20 रुपया चार्ज लगेगा, बस उतना ही। इसके लिए जो उम्र सीमा है, एज लिमिट 17.5 वर्ष से 21 वर्ष, यानी 17.5 ईयर्स से 21 ईयर्स आपका एज लिमिट रहेगा। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ये चीज़ रहेगी, बॉर्न बिटवीन 2nd of January 2004 to 2nd of July 2007, यानी 2 जनवरी 2004 से लेके 2 जुलाई 2007 के बीच में जिन भी कैंडिडेट्स का बर्थ हुआ है, वो सभी इलिजिबल रहने वाले हैं। अब बात करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन की क्या क्राइटेरिया होगा। एज यू ऑल नो कि ये MTS के इक्विवेलेंट पोस्ट है, तो इसका क्वालिफिकेशन भी सेम टू सेम MTS के तरह ही है। देखिए, जिन्होंने भी 10th पास कर रखा है, मतलब 10वीं पास, सभी बच्चे इसके लिए इलिजिबल रहेंगे। ये तो हो गए इससे रिलेटेड सारी बेसिक डिटेल्स मैंने आपको बताई। अब बात करेंगे हम लोग कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, किन किन स्टेज से गुजरने के बाद ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन यानी चयन हो पाएगा। देखिए, 5 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है। एट फर्स्ट स्टेज रिटन एग्जाम पास करना होगा, जो कि ऑफलाइन होगा, और इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पे इसको कंडक्ट कराया जाएगा। बस 20 नंबर का ये आपका होता है, ये क्वालिफाइंग होता है। इसमें पास करिएगा तो फिजिकल टेस्ट होगा आपका। फिर क्या होगा, स्ट्रीम सुटेबिलिटी टेस्ट। ये इसको मान के चलिए ना कि स्किल टेस्ट होता है। दोनों ही पोस्ट के लिए आपको कुछ काम होगा जो करके बताना होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। देखिए, स्ट्रीम सुटेबिलिटी टेस्ट जो होता है ना, इसमें आपको 30 नंबर का ये टेस्ट होता है। मिनिमम पासिंग मार्क्स 50%, यानी कम से कम 15 तो आपको स्कोर करना ही है, ठीक है। उसके बाद आपका DV यानी आपके कागज पत्र की जांच पड़ताल की जाएगी, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। फिर बेसिक आपका मेडिकल होगा, और ये सारे ही क्वालिफाइंग होते हैं, जिसके बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर हैंडओवर करी जाएगी, फिर आपको जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वैकेंसी की अगर बात करूँ कि किन किन स्टेट के है, तो देखिए ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी है, लेकिन जिला वाइज है। जिस जिस जिला के लिए है वो आपको नोटिफिकेशन में क्लियरली दिख जाएगा, तो वहाँ से आप देख लेंगे कि आपको इस जिला के लिए अप्लाई करना। जरूरी नहीं है कि अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करना है, जहां भी अगर आपको कोई नियर बाय एयरफोर्स स्टेशन लगता है, तो वहां के लिए आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इन डिटेल में। पहले ही बता दिया है कि आपका क्या होगा, एग्जाम ऑफलाइन होगा, 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के लिए।
और इसमें मैथ्स के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बहुत ही आसान आपका एग्जाम रहेगा। देखिए इंग्लिश से 10 नंबर का रहेगा 10 क्वेश्चन, जीके से 10 नंबर के लिए 10 क्वेश्चन, मतलब दो ही सब्जेक्ट है इंग्लिश और जीके। और इसको पास करने के बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट कराया जाएगा। और पहले ही बता चुकी हूँ कि एग्जाम का सेंटर जो है जिस जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप देखेंगे कि एयरफोर्स स्टेशन का आपको मेंशन एक लिस्ट मिलेगा, तो एग्जाम सेंटर भी वहीं वहीं पर रहेगा। आप अपना नियर बाई चूज करेंगे तो नियर बाई बुला के आपको एग्जाम लिया जाएगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए अब बात करते हैं फिजिकल इलिजिबिलिटी के ऊपर कि क्या क्या टेस्ट में आपसे यहाँ पर फिजिकल टेस्ट होगा। पहली बात तो हाइट का आपका मेजरमेंट होगा, 152.5 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए आपका हाइट। चेस्ट जो है ना उसमें 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। वेट एज पर योर हाइट, एक हाइट चार्ट आती है हाइट के अकॉर्डिंग वेट का, वो गूगल पे आप सर्च करोगे तो बता देगा। तो आपका जो वेट होगा ना वो आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग देखें कि आपका कितना लंबाई है उसी हिसाब से वजन होना चाहिए। तो अगर ज़्यादा होगा तो उसको घटा लीजिएगा, कम होगा तो बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी रनिंग यानी दौड़ कराई जाती है 1.6 किलोमीटर, मतलब 1600 मीटर की दौड़ होती है, 6 मिनट और 30 सेकेंड में आपको कंप्लीट करना होता है। उसके बाद आपका पुशअप होता है 10, सीटअप्स लगाए जाते हैं 10, स्क्वाट्स यानी उठक बैठक आपका 20 होता है। और ये तीनों ना एक एक मिनट का आपका टेस्ट होता है, 1 मिनट में 10 पुशअप लगाना है, 1 मिनट में 10 सीटअप्स लगाना है और 1 मिनट में 20 स्क्वाट्स लगाना है। तो ये क्वालिफाई रहेगा, इसमें क्वालिफाई करने के बाद आपको स्ट्रीम सुटेबिलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये देखिए एज लाइक योर ट्रेड टेस्ट, जैसे ट्रेड टेस्ट होता है वैसा ही होता है। तो यहाँ पर मैं समझा देती हूँ कि उसमें क्या सब होगा। जो हॉस्पिटैलिटी होगा ना जो पोस्ट, उसके लिए क्या है ना कि आपको जैसे आप ऑफिस है या एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ पर खाना वगैरह बनाना होगा, ध्यान रखना होगा कि आप हाइजीन मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं, कुछ मतलब डिशेज वगैरह बना के दिखाना होगा, आपको ये दिखाना होगा कि आपको कुकिंग आती है, इससे रिलेटेड ही थोड़ा बहुत कुछ है जो कि आपको नोटिफिकेशन में क्लियरली पता चल जाएगा। सेकेंड जो पोस्ट है हाउस कीपिंग, इससे आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें झाड़ू पोछा करने का टेस्ट हो सकता है, आपका घर गार्डन ऑफिस का रख रखाव करने का काम हो सकता है। इसके अलावा अगर आप मोची के पोस्ट के लिए जाते हैं तो आपको लेदर का नॉलेज होना चाहिए, जूता वगैरह चमकाने आना चाहिए। अगर आप टेलर की पोस्ट के लिए जाएंगे तो आपको सिलाई कटाई ये सब आना चाहिए। अगर आप बार्बर के लिए जाते हो तो बाल वाल काटना होगा, तो ये सब आपको करके दिखाना होगा स्ट्रीम सुटेबिलिटी टेस्ट में, जो कि आपका 30 नंबर का होता है और 50% यानी 15 नंबर आपको कम से कम लाना है तभी आप आगे क्वालिफाई हो पाएंगे। मैंने तो आपको मोटा मोटी तौर पर समझा दिया, लेकिन अगर दोनों पोस्ट के लिए आप काम देखना चाहोगे तो उसका नोटिफिकेशन में आपको मिलेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड करके पूरा नोटिफिकेशन ही आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये था आपका थर्ड स्टेज, इसको पार करने के बाद आपका डीवी होगा, मतलब डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी, फिर सिंपल सा मेडिकल और उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। सो आई होप कि सिलेक्शन प्रोसेस आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कुछ मेन पॉइंट्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भर्ती सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है, ऑल इंडिया के मेल कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे, उसमें भी जो अनमैरिड मेल्स होंगे अविवाहित पुरुष वो ही फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे फोटोग्राफ की रही बात, तो 6 महीने से पुराना आपका फोटो नहीं होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो जो है एप्लीकेशन पे आपको पेस्ट करना होता है तो वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। और फोटो के लिए एक और रूल ये है कि ब्लैक जो स्लेट होता है ना उस पर आपका नाम और डेट ऑफ फोटो लिखा होना चाहिए और उसके साथ में आपको फोटो खिंचाया होना चाहिए। तो ये चीज आप कर लीजिए, फोटो वगैरह बनवा लीजिए। अब आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मेरे टेलीग्राम पर मिलेगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके फिल कर लीजिएगा। अब फिल करना है कैसे, क्या मतलब फॉर्म में जाएगा वो सारी चीज़ें ना, एक गाइडलाइंस का भी इसका शॉर्ट नोटिस आया है उसमें आपको पता चल जाएगा, वो भी मेरे टेलीग्राम पर ही मिलेगा, तो उसको भी डाउनलोड करिएगा और एप्लीकेशन को प्रिंट आउट करके निकलवा लीजिएगा। और जो गाइडलाइंस है उससे हेल्प ले लेके आप फॉर्म को भरेंगे। और अगर बात करें कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है, 10th का मार्कशीट लगेगा, सर्टिफिकेट लगेगा, रेसिडेंशियल यानी आपका आवासीय लगेगा, अगर आप कोई रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी वगैरह, अगर आप है एससी एसटी तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा,
यही सब आपका जो नॉर्मल चीज रहेगा, इसके साथ आपको 2 से 3 फोटो लग सकता है। तो पासपोर्ट साइज फोटो अगर आपके पास नहीं है तो जल्द से जल्द बनवा लीजिएगा। तो आई होप कि इससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। लेकिन अगर आप जानना चाहते कि किस एड्रेस पर आपको भेजना है, तो वो एड्रेस आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा। आप चाहे तो स्क्रीन से स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, अन्यथा इसका सारा जानकारी तो मेरे टेलीग्राम पे अवेलेबल होगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं कि किस एड्रेस पर आपको किस पता पर अपना एप्लीकेशन भेजना है। ठीक है, ये सारी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं कि सैलरी का क्या रहेगा। अब आपको शुरू में यहाँ पर लिखा हुआ ही, सॉरी मैं यहाँ पे लिखना भूल गई थी, ये वैकेंसी ना अग्निवीर के तहत है, तो 4 सालों के लिए भर्ती रहेगा। ठीक है, तो जब शुरुआत में आप ज्वाइन करोगे ना, तो आपको 30,000 यानी 30,000 सैलरी के रूप में मिलेगा। अगले साल 33,000, उसके अगले साल 36,000 और लास्ट ईयर आपको 40,000 सैलरी मिलता है। तो सैलरी अच्छा खासा है। अब आप सोचेंगे कि 4 साल के लिए जॉब क्यों करें। देखिए, आपका जो यहाँ पर है सीट भी देख सकते हैं कि ज़्यादा कुछ हार्ड वर्क प्रोफाइल नहीं है, सैलरी भी अच्छा मिलेगा। तो अगर आप आगे के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, कुछ अपने दम पे करना चाह रहे हैं, तो इधर जॉब करते करते 30,000-33,000 कम नहीं होता है। 4 साल तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, और बाद में जब आप वहां से लीव करेंगे तो आपको ना 10 लाख आपको दिया जाता है, 10,04,000 आपको दिया जाता है एग्जिट के समय। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि इसके बारे में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अब डॉक्यूमेंट्स का भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है, हाउ टू अप्लाई भी बता दिया, एग्जाम सेंटर भी। तो मुझे नहीं लगता है कि इस फॉर्म के बारे में कुछ भी डाउट आपका बचा हुआ, बट अभी भी कुछ पूछना है तो बिना हेजिटेट किए हुए आप कमेंट करके अपने क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो एक लाइक ज़रूर से कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना आप, ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।